हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। हमने देखा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप M1 है, एक की स्लोप M2 है, तो उनके बीच का एंगल टेन थीटा मॉड ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2 होता है। अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, M1 इक्वल टू M2, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो M1 इंटू M2 होगा -1। आज हम आगे का चीज़ देखते हैं, ध्यान दीजिए। एक हम क्वेश्चन सॉल्व करें कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोर कॉमा फाइव एंड पैरल टू 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या बोला है भाई? हमने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 5 एंड पैरल टू द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। अ कंसेप्ट ये है कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके पैरल एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है जो 0.4, 5 से पास होता है। तो इसमें एक पॉइंट तो हमें गिवन है, और ये दोनों हमारे पास लाइन अगर पैरल हैं तो इनकी स्लोप इक्वल होंगी। तो अगर मैं इसकी स्लोप निकालता हूँ तो इसकी स्लोप m की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? -3/4। सही है, स्लोप निकालते हैं -a/b -3/4। तो इसकी स्लोप भी हमारे पास क्या जाएगी? m = -3/4। तो स्लोप अगर -3/4 है और 4, 5 पॉइंट से पास होती है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y - y1 = m (x - x1)। तो ये हो जाएगा हमारे पास y - 5 = -3/4 × x - 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दिस इज अ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 5 एंड पैरल टू द लाइन 3x + 4y + 9 = 0। हम सॉल्व कर ही लेते हैं तो 5 - 5 = हो जाएगा -3x और +12/4। 4 यहाँ चले जाएगा तो ये हो जाएगा 4y - 20 = -3x + 12। तो ये हो जाएगा 3x + 4y - 32 = 0। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन किया है, तो हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास कोई लाइन अगर हमारे पास ही 3x + 4y + 7 = +9 = 0, तो उसके जो पैरल लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या थी? 3x + 4y - 32 = 0। मतलब अगर दो लाइन पैरल हैं तो उनके कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कोफिशियंट ऑफ वाई जो है वो सेम है। दिख रहे हैं अपन को? भाई मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास है ax + y + c = 0, और एक लाइन है जो इसके पैरल है और एक पॉइंट है x1, y1 इससे पास होती है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं कहूँगा भाई ये वाली लाइन की जो स्लोप है, ये लाइन की स्लोप -ay/b है, तो इस वाली लाइन की स्लोप भी जो होगी वो -ay/b होगी। तो इसकी अगर इक्वेशन होगी तो हमारे पास y - y1 = m (x - x1) से अगर हम सॉल्व करेंगे तो y - y1 = -ay/b (x - x1) होगा। b यहाँ चले जाएगा तो ये हो जाएगा (by-by1) = -ax + ax1। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा (ax + by-ax1) - (by1) = 0। ये चीज़ तो एक कांस्टेंट है, मैं इसको लैम्डा अगर मान लूँ तो ये हो जाएगा (ax + by+λ) = 0। यहाँ पे हालांकि लैम्डा की वैल्यू हमने देखा वो है -ax1 - (by1)। आई बस समझ में? तो हमारे पास जो कंसेप्ट आया निकल के वो क्या आया? हमारे पास जो कंसेप्ट निकल के आया सामने, वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट निकल के आया है, और उसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास एक लाइन थी ax + by+c = 0 और इसके पैरल हमें दूसरी लाइन निकालनी थी, ये हमारे पास क्या है? गिवन है कि एक लाइन की इक्वेशन है ax + by+c = 0, इसके पैरल हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसकी इक्वेशन होगी ax + by+λ = 0। मतलब इक्वेशन ऑफ पैरल लाइंस डिफर ओनली बाय द कांस्टेंट। जो इक्वेशन ऑफ पैरल लाइंस होंगी उनमें केवल कांस्टेंट का अंतर होगा, जो कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई हैं वो दोनों सेम होंगे। आई बात समझ में? तो हम नोट करके लिख लें कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज़ पैरल टू
a given line ax plus by plus c equal to 0 can be written as ax plus by plus lambda equal to 0 where lambda is a constant. ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक. ये हमसे बोला गया भाई हमें एक लाइन है, ये गिवन है ax plus by प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो हमें गिवन है. ठीक है, पावर है, समझ में आई. बोला है एक और स्ट्रेट लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन है. क्वेश्चन समझ में आया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. ठीक, क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना भाई. तो बहुत ही आसान है, अगर इस वाली लाइन की स्लोप m1 है और इस वाली लाइन की स्लोप m2 है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या हो जाती है भैया, माइनस वन. ठीक है ना, शास्त्रों में लिखा है अगर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, माइनस वन. अच्छा, इसकी स्लोप m1 है तो m1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए बाई बी. तो यहाँ से अगर मैं m2 की वैल्यू निकालता हूँ तो माइनस वन अपॉन m1 आती है, तो ये माइनस वन अपॉन माइनस ए वाई भी आती है, तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, बी वाई ए. क्या ये भावना है, समझ में आई. अब हमारे पास हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, ये वाली लाइन दिख रही है, इस लाइन की इक्वेशन निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन एंड स्लोप इज बी अपॉन ए. तो अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूंगा तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. तो ये हो गया हमारे पास y माइनस वाई वन, एम की वैल्यू हमारे पास हो गई v अपॉन ए इंटू हो गया x माइनस एक्स वन. तो ये हमारे पास आ गया ए वाई माइनस बी वाई वन इक्वल टू बी एक्स माइनस ऑफ बी एक्स वन. तो ये हो जाएगा बी एक्स, ये इस तरफ चला गया तो हो गया माइनस ऑफ ए वाई माइनस ऑफ बी एक्स वन, ये इस तरफ चला गया तो हो गया प्लस बी वाई वन इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से हमारे पास आ गया बी एक्स माइनस ए वाई, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको मैंने ले लिया लैप्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो. ये हमारे पास क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई ना, प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स वन प्लस ए वाई वन. हाँ, प्लस ए वाई वन आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक. तो माइनस बी एक्स वन प्लस ए वाई वन को हमने लैम्डा ले लिया, तो ये हमारे पास हो गया बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ तक भावना है, समझ में आई, जल्दी फटाफट छापो. हाँ भाई, तो ये जो हमने पढ़ा है, इस कहानी से हमने क्या सीखा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो होगा. आई बात समझ में भाई, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई था, यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई होगा, इस बात का ध्यान रखना है. ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो होगा. क्लियर है, इसका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो कैन बी रिटन एज बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, वेयर लैम्डा इज़ अ कांस्टेंट. सही बात है, नोट कीजिए. हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट फोर कॉमा माइनस फाइव एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो. इसको हम सॉल्व करते हैं अलग अलग मेथड से. पहले भावनाएं समझें क्या कहना चाह रहा है. भावना ये कहना चाह रहा है कि भैया एक हमारे पास लाइन है, ये लाइन गिवन है और इसकी इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो. एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है और पासेस टू द पॉइंट जो है वो 4 कॉमा माइनस 5 से करता है, पासेस टू द पॉइंट 4 कॉमा माइनस 5. तो इसकी इक्वेशन निकालो, सबसे सस्ती मेथड भाई. अगर हमारे पास कोई लाइन होती थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती थी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो. तो अगर हमारे पास ये गिवन लाइन है थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, तो वाई का कोएफिशिएंट एक्स के साथ तो हो जाएगा फोर एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट वाई के साथ लेकिन नेगेटिव अवस्था में, तो माइनस थ्री वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो. भावना समझ में आई भाई, y का कोफिशियंट x के साथ, x का कोफिशियंट y के साथ नेगेटिव हो जाएगा और प्लस लेमडा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू ज़ीरो. भाई क्या है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू ज़ीरो है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है,
तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो में बी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट कर दी 4 और ए की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 3, तो क्या हो गया 4x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। भाई भावनाएं समझो, भावनाएं बी एक्स माइनस ए वाई है चचा, तो ये b जो है y का कोफिशियंट है वो x के साथ एज इट इज चला गया, तो y का कोफिशियंट यहाँ 4 था तो 4x के साथ चला गया 4x। x का कोफिशियंट जो है a वो y के साथ जाएगा, x का कोफिशियंट y के साथ जाएगा लेकिन नेगेटिव होके जाएगा, तो x का कोफिशियंट जो है 3 y के साथ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा और प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। और ये जो लाइन हमारे पास है 4x माइनस ऑफ 3y प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट किससे पास हो रहा है भैया 4 कॉमा माइनस 5 से, तो सेटिस्फाइड करा दें इसे 4 कॉमा माइनस 5 से, 4 कॉमा माइनस 5 से सेटिस्फाइड कराएं तो x इक्वल टू 4 रख दें 16, y इक्वल टू माइनस 5 रख दें तो हो जाएगा प्लस 15 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो 31 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई माइनस 31, यहाँ रख दें तो आंसर हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 31 इक्वल टू 0, दिस इज आंसर। आई वॉज समझ में, नोट करें यहाँ तक। देखो अगली मेथड से करते हैं इसको, कि पहली मेथड तो बड़ी प्यारी मेथड थी, डायरेक्ट फटाफट लगाओ आंसर पाओ, अब थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग वाली मेथड। बोला गया भाई साहब हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन बड़े प्यार से आपको 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 गिवन है, आपको इसके परपेंडिकुलर एक दूसरे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट 4.5 से 4.-5 से पास होता है, ठीक है। तो अपन स्लोप स्लोप खेल लें, अगर हम कहें भैया ये वाली लाइन जो है इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप दूसरी वाली लाइन की स्लोप m2 है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा m1 इंटू m2 माइनस 1, परपेंडिकुलर अगर दो लाइन है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 होता है। अब इसकी स्लोप निकालो भाई, इसकी स्लोप अगर हम निकालना चाहेंगे तो 4y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3x माइनस 5, 4 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 3y4x माइनस ऑफ 5y4। भैया मैंने डायरेक्ट माइनस बी वाई निकालना नहीं सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ताकि आप लोग भूल ना जाओ, ठीक है ना। ऐसे निकाल सकते हैं ना भाई, इसकी अगर हमें स्लोप निकालनी है तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जो एक्स के साथ होगा वही एम होगा, और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब वाई को अकेला छोड़ दो, उसका कोफिशिएंट 1 हो जाने दो, तो हमारे पास 4y की वैल्यू चिक 4 से डिवाइड किया तो चिक, तो वाई के साथ एक्स के साथ क्या माइनस 3/4, तो इसकी स्लोप क्या ली थी अपन ने m1, तो m1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3/4। भावनाएं शांत हुई आप लोगों की, अभी भड़क रही हैं, हो गई शांत। अब अगर ये दोनों लाइन है, ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1, m1 क्या है माइनस 3/4, m2 क्या है m2 इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई 4/3, m2 की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब लो भाई आपको जिस लाइन निकालना है उसकी समस्त सामग्री प्राप्त हो गई, हो गई। बोला है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो 4.-5 से पास होती है, इसकी स्लोप 4/3 है, तो उसकी इक्वेशन निकाल दो। तो भाई एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दी है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1, y1 की वैल्यू अगर आप क्या पुट करोगे माइनस 5, m की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 4/3, x1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स माइनस 4, 3 गए यहाँ तो ये हो गया 3y प्लस 15, 4 गए अंदर तो ये हो गया 4x माइनस 16, तो ये हो गया 4x माइनस 3y माइनस 16 माइनस 15 इक्वल टू 0, तो आंसर हो गया 4x माइनस 3y माइनस 31 इक्वल टू 0। समाप्त। ये मेथड नंबर 2, चाहो तो लिख लो मेथड क्रमांक 2, ठीक है। मेथड से करते हैं अपन। बोला भैया एक लाइन है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आपको बनानी है, ये जो है 4.-5 है, इससे पास होती है, सही बात है। तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल शुद्ध मेथड, बिल्कुल पोपट टाइप की। अपन मान लेते हैं भैया ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, क्या है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है जीवन का, हमें दो चीज़ें निकालनी, एक एम और एक सी, सही है।
एम मतलब स्लोप, सी मतलब वाई, वाह वाह, सी मतलब वाई इंटरसेप्ट। अगर हम इन दोनों की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने लगाया थोड़ा सा अपना माइंड, ठीक है, अपने मस्तिष्क का हम प्रयोग करें। सबसे पहले हम इसकी स्लोप निकाल लें, तो इसकी स्लोप अगर मैं m1 मान लूँ तो m1 इक्वल टू माइनस 3/4 माइनस ए बाई बी आएगा। जिन लोगों के मन मस्तिष्क का माइनस ए बाई बी याद नहीं हो पाता वो निकाल लेना, इसके पहली वाली मेथड में निकाला है अपन ने। अब सबसे पहला कंसेप्ट हमने लगाया कि भैया ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 into m2 की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। अब m1 हमारे पास है माइनस 3/4 और m2 की वैल्यू है m, तो ये आ गया माइनस वन। तो यहाँ से m की वैल्यू प्लस 4/3, लो भाई m की वैल्यू तो प्राप्त हो गई, हो गई m की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया y इक्वल टू 4/3x + c। आई बात समझ में? अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, c, और c क्या था, y इंटरसेप्ट। तो अगला कंसेप्ट हम लगाएं कि जो लाइन है ये 4, -5 पॉइंट से पास होती है, और अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड करता है मतलब अगर मैं x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -5 रख दूं तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो मैंने y की वैल्यू रख दी -5, x की वैल्यू रख दी 4, तो 16y3 + c। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -5 - 16y3, तो ये आ गई -31y3, ये c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू आ गई, अपन c की वैल्यू यहाँ पे फिर से पुट कर दें, तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया 4xy3 - 31y3, 3 से मल्टीप्लाइड कर दें तो 3y इक्वल टू हो गया 4x - 31, तो 4x - 3y - 31 = 0। इस तरीके से ये मेथड नंबर 3 से हो गई। इस क्वेश्चन को करने की 3 मेथड मैंने आपको बताई, अच्छा लगा, नोट कर लो। तो हाँ भाई, अगला सवाल आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन टू अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2, -3 एंड परपेंडिकुलर टू अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, 7 - 6, 3। फाइंड द इक्वेशन टू अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2, -3 एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, 7 - 6, 3। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं कि देखो भैया, ऐसा है, एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रहा है जिसका नाम ए और बी है। ए के कोऑर्डिनेट हैं 5, 7 और बी के कोऑर्डिनेट हैं -6, 3। ये हमारे पास एक लाइन है L1, सही है। अब एक दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, एक दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है और वो एक दूसरे पॉइंट से पास हो रही है जिसका नाम ने सी रख दिया और ये 2, -3 इसके कोऑर्डिनेट है। तो आपको इस लाइन L2 की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहे हैं भाई? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3। 2, -3 से पास होने वाली उस लाइन की इक्वेशन निकालिए विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, 7 - 6, 3, जो कि 5, 7 - 6, 3 से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? तो भाई हमारे पास अगर हम इस लाइन L2 की इक्वेशन हमें निकालना है तो एक पॉइंट तो गिवन है बड़े प्यार से, अगर इसकी स्लोप और मिल जाए इस वाली लाइन की तो हम डायरेक्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल दें, आंसर आ जाए। तो हमने सबसे पहले इस लाइन L1 की स्लोप निकाली। L1 दो पॉइंट से पास हो रहा है और दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप बहुत अपन आराम से निकाल सकते हैं, सही बात है, पता है ना अपन को भाई। अगर हमारे पास ये L1 है, ये दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट हमारे पास है 5, 7 और दूसरा पॉइंट हमारे पास इस -6, 3, तो इसकी स्लोप M1 हमारे पास क्या जाएगा, y2 - y1 / x2 - x1। अच्छा ये हमने ले लिया मान लीजिए x1, y1, तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, x2, y2। तो y2 - y1 मतलब 3 - 7 इज -4 एंड x2 - x1 मतलब -6 - 5 इज -11, तो क्या आ गया 4y11। तो M1 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो क्या आ गई भाई साहब, 4y11। अब M2 निकालो, M2 क्या है, लाइन 2 की स्लोप। तो भैया लाइन 1 और लाइन 2 तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो इनकी जो स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा भैया वो आएगा -1। अब M1 की वैल्यू अगर हमारे पास 4y11 है तो 4y11 इंटू M2 इक्वल टू -1, तो M2 की वैल्यू आ जाएगी -11/4। तो लाइन L2 की स्लोप क्या आ गई, -11/4।
लाइन L2 की स्लोप क्या गई -11/4 और पासिंग थ्रू तो किससे है 2, -3 से पॉइंट मिलेगा, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। तो इक्वेशन लगा दो, कौन सी इक्वेशन लगाओगे भैया? पॉइंट स्लोप फॉर्म y-y1=m(x-x1) वैल्यू पुट करो, पुटाओ भैया। वाई वन की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? -3। एम की वैल्यू क्या रखोगे? -11/4। और एक्स वन की वैल्यू क्या रखोगे? 2। भाई ये पॉइंट है ना, x1 y1, तो y1 क्या रखोगे? -3। x1 क्या रखोगे? 2। और स्लोप क्या रखोगे? -11/4। रख दिया, निपटा दो बड़े प्यार से इसको। तो y+3 (4) = -11x+22। तो 4y+12 = -11x+22 ये इस तरफ आ गया, तो हो गया 11x+4y+12 -22 = 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 11x+4y-10 = 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, आ गया, बधाई हो, नोट करिए। एक सवाल करते हैं अमन, अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू द स्ट्रेट लाइन x/a+y/b = 1 थ्रो द पॉइंट वेयर इट मीट द एक्सिस ऑफ x। क्या कह रहा है सवाल? फाइंड इक्वेशन द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू द स्ट्रेट लाइन। दिस एक ऐसी अपन को लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के x/a+y/b = 1 के परपेंडिकुलर है, थ्रो द पॉइंट। कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर है? वेयर इट मतलब ये वाली लाइन मीट द एक्सिस ऑफ x। मतलब भाई साहब यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन। हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, देखो बड़े सिंपल तरीके समझो, x/a+y/b = 1। ये तो बड़ी जानी पहचानी इक्वेशन लग रही है, हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म वाली है ना। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालता हूँ, इस लाइन का ग्राफ बनाता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा भाई। ये इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा ए, तो ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास a, 0। ये इसका वाई इंटरसेप्ट होगा बी, तो ये पॉइंट बी के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं ये 0, b हो गए। सही है, अब हम पढ़ेंगे। बोला है फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू द स्ट्रेट लाइन दिस। एक जो हमें लाइन निकालनी है उस लाइन का कैसा है? राइट एंगल बनाता है इससे, परपेंडिकुलर है। कहाँ पे? एट द पॉइंट वेयर इट मीट द एक्सिस ऑफ x, जहाँ पे ये लाइन एक्सिस ऑफ x को मिलती है, मतलब पॉइंट a पे मिलती है, उसके उसी पॉइंट पे इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन हम बनाएंगे भैया, ये लाइन ये वाली लाइन होगी। सही बात है। तो अब जरा इसको अपन देखें भाई, हमारे पास इक्वेशन, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट a, 0 से पास होता है। ये लाइन पॉइंट a, 0 से पास हो रही है ना भाई, पॉइंट a, 0 से पास हो रही है और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी इक्वेशन है x/a+y/b = 1। वाह वाह, बहुत सुंदर। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अपन एक आध दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, सबसे बेसिक मेथड भाई, ये जो लाइन की इक्वेशन हमारे पास है ये है a/x+y/b = 1। मतलब ये हमारे पास है bx+ay, और ए बी वहाँ चले जाएगा तो = ab। तो ये हमारे पास हो गया bx+ay-ab = 0। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है भैया? लाइन वन की इक्वेशन है ये। सही है, पावन है, समझ में आई? अब लाइन टू क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। अगर लाइन टू इसके परपेंडिकुलर है, bx+ay-ab = 0 के परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? y तो वही जो के, तो y का कोविशेंट x के साथ, तो ax, और x का कोविशेंट जाएगा y के साथ, लेकिन माइनस होके जाएगा -by+λ = 0। आएगा समझ में, याद आया? अगर हमारे पास किसी लाइन की इक्वेशन है ax+by+c = 0, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन bx-ay+λ = 0 लिखते थे अपन। y वाला जोका तो और x वाला नेगेटिव होके y के पास जाएगा। सही बात है, देखो आप कितनी अच्छी बात है, x का कोफिशिएंट जो है, x जब y के पास जा रहा है तो नेगेटिव होके जा रहा है, लेकिन y वाला जब x के पास जा रहा है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होके जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होके जाएगा, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब x वाला y के पास जा रहा है तो नेगेटिव होके जा रहा है। थोड़ा सा याद रखिए इस चीज़ को।
अब अगर हमारे पास यही दो एकांधारी हमने यहाँ पे लगाई तो ये हमारे पास क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी, तो ये y के साथ है a तो ए एक्स हो गया, x के साथ है b तो माइनस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास लाइन टू की इक्वेशन हो गई। सही बात है, अब हमें लेमडा की वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये लाइन किससे पास हो रही है, a कॉमा जीरो से। अब ये जो लाइन है ये a कॉमा जीरो से पास हो रही है तो हम x इक्वल टू रख देते हैं a, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, वाई इक्वल टू जीरो तो प्लस जीरो प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर रख देंगे तो ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए, सवाल वही, मेथड नहीं, सवाल वही था कि फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन टू एट राइट एंगल टू द स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन थ्रो द पॉइंट वेयर इट मीट द एक्सिस ऑफ एक्स, मेथड दूसरी। देखा भाई, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, तो ये जो लाइन है ये हमारे पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन होगा, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास ए कॉमा जीरो आएंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास जीरो कॉमा बी आएंगे। सबसे पहले एक नया अपन अपन यहीं से करते हैं, मान लो हम भूल गए कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, भूल गए, भूलना आम आदमी की आदत है, आप भी भूल गए, तो हमने कहा भैया ये हमारे पास एक लाइन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, ठीक है, तो हमें वो पॉइंट निकालना है, कौन सा पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट वेयर इट मीट द एक्सिस ऑफ एक्स, वेयर इट मीट द एक्सिस ऑफ एक्स, जहां पर ये एक्स एक्सिस से मिलेगा, और जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे मिलेगा तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो, तो भैया हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पता है कि जीरो होगा, और अगर y कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो x अपॉन a की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या जाएगी, वन, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, a, तो x कोऑर्डिनेट तो a होगा और y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। सही है, आप भूल गए इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो याद है ना आपको, भाई इंटरसेप्ट फॉर्म भूल सकते हैं लेकिन जो 9th 10th में बेसिक कंसेप्ट पता है वो तो याद होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अब अगर हमसे पूछा भाई ये पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ कट करता है, तो वहाँ कट करेगा जहाँ पे x कोऑर्डिनेट जीरो हो, y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो हमने इसका y कोऑर्डिनेट जीरो पुट कर दिया तो x की वैल्यू a आ गई, मतलब x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट जीरो, तो ये लाइन जब x एक्सिस को कट करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट तो a होगा और y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। सही बात है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो भैया, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया ए कॉमा जीरो, अब हमें कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो ए कॉमा जीरो से पास हो रहा है, कैसे पता आपको, लिखा है ना भैया पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट द एक्स एक्सिस, इट मतलब ये वाली लाइन जहां एक्स एक्सिस पर मिलेगी, हमें उस लाइन की इक्वेशन पॉइंट फाइंड करनी जो इस वाले पॉइंट से पास हो। सही बात है, तो हमें जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो पॉइंट ए से पास होगी और इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सही बात है, भावना है समझ में आई, इतनी सी बात है, तो ठीक है हम देखें परपेंडिकुलर वाले कंसेप्ट से कर लें। ये पहले वाली लाइन की इक्वेशन हमारे पास थी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, हम इसकी स्लोप निकाल लें भाई, ये पहले वाली नीली नीली वाली लाइन वन है, ये काली काली वाली लाइन टू है, इसकी स्लोप एम वन है और इसकी स्लोप हमारे हमने एम टू ले लिया। सही बात है, भावना है समझ में आई, तो भैया इसकी स्लोप हम निकाल लें एम वन, कैसे निकालोंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल लें, बिल्कुल बेसिक मेथड, आप सब भूल गए हो, सन्नाटे में बैठे हो बिल्कुल, ठीक है, अब आप किसको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से अगर निकालेंगे तो आप इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालेंगे, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट क्या है, y अकेला छोड़ दो तो x के साथ जो होगा वो m होगा, तो हमने y अकेला छोड़ा तो यहाँ पे y अपॉन b की वैल्यू आ गई माइनस x अपॉन a प्लस b, तो माइनस x अपॉन a प्लस वन, b वहाँ चला गया तो y की वैल्यू हो गई माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, एम वन हमारे पास क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, सन्नाटे में जीवन जा रहा है, तो एम वन हमारे पास क्या आ गया माइनस बी बाई ए, अब भैया दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर, क्या है
परपेंडिकुलर, जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन. m1 की वैल्यू क्या है? माइनस बी वाई ए इंटू m2 इक्वल टू माइनस वन. माइनस माइनस निपटाओ, a और b को वहां पहुंचाओ तो m2 की वैल्यू क्या आ गई? a अपॉन बी. m2 की वैल्यू a अपॉन बी. अब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई. अब आपसे बोला गया है ये जो लाइन आपके पास l2 थी, इस l2 की जो स्लोप थी, जो स्लोप है वो ayb है और ये पॉइंट a,0 से पास हो रहा है. तो भैया ये जो पॉइंट गिवन है x1, y1 स्लोप गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला हम लगा दें? स्लोप पॉइंट फॉर्म y-y1 = m(x-x1). तो y-y1 = 0, m is ayb, x-x1 = ayb. ये b यहाँ जाएंगे तो by हो जाएंगे, इक्वल टू a अंदर जाएंगे तो ax-a² को प्राप्त होंगे. तो हमारे पास हो जाएगा ax-by-a² = 0. ये हमारे पास हो जाएगा. आई बस समझ में, नोट कीजिए. हाँ भाई, अगला सवाल आपके सामने. फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट्स एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट a,b, a'b'. क्या कह रहे हैं? Find the equation to the straight line which bisects and is perpendicular to the straight line joining the point a,b and a'b'. मतलब एक लाइन है जो लाइन सेगमेंट हमारे पास which is perpendicular to the line joining the point this and bisect. ठीक भाई, सबसे पहली बात तो मैंने ये पॉइंट A और ये पॉइंट B ले लिए. ये हमारे पास है a,b और ये हमारे पास है a'b'. अब पढ़ो भैया सवाल एक बार और. क्या कहना चाह रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट्स एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. तो सबसे पहले तो इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब मिड पॉइंट से पास हो रहे हैं. ए बी का जो मिड पॉइंट है उससे पास होने वाली हमारे पास लाइन है. ए बी के मिड पॉइंट से पास हो रही, ए बी इसका मिड पॉइंट जो है वो सी है, इससे पास हो रही और इसके परपेंडिकुलर है. तो ये जो लाइन हमारे पास है लाइन टू, इसकी इक्वेशन हमें निकालना है. ये वाली लाइन वन है. क्वेश्चन समझ में आया भाई? क्वेश्चन ये है कि भाई एक लाइन है L1 जो पॉइंट A और B से पास हो रही है, दैट इज़ AB and A'B'. इस ए बी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है C, एक दूसरी लाइन है जो इस पॉइंट C से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर. तो आपकी इसकी इक्वेशन आपको निकालना है. ठीक है, बहुत ही आसान. सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट हमें गिवन है जिससे लाइन पास हो रही है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है? पॉइंट सी. तो इस पॉइंट सी के अगर कोऑर्डिनेट हम कहते हैं तो क्या हो जाएंगे हमारे पास मिड पॉइंट के कंसेप्ट से? a+a'y2 and b+b'y2. यही पता है ना भाई मिड पॉइंट का कंसेप्ट? x1+x2y2 and y1+y2y2. तो ये क्या हो जाएगा? a+a'y2 and b+b'y2. तो ये जो लाइन L2 है वो इस पॉइंट सी से तो पास हो रही है. क्लियर है कहानी? अब हमें निकालना है उसकी स्लोप. तो क्या आप स्लोप ऑफ लाइन वन m1 निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा हमारे पास? y2-y1 b'-b (x2-x1 a'-a)। ये किसकी स्लोप है? लाइन वन की. अब लाइन टू की जो स्लोप होगी वो अगर m2 होगी तो ये क्या आएगा? -1/m1, क्योंकि m1 × m2 -1 होता है. तो -1/ इसका रेसिप्रोकल, तो a'-a/b'-b. ये हमारे पास आ गया m2. अब जो लाइन 2 है वो इस वाले पॉइंट C से पास हो रही है, उसकी स्लोप हमारे पास m2 है. तो इसकी इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं भाई. इसको मैंने क्या ले लिया? x1, y1. क्या ले लिया? x1, y1. तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास y-y1 = m(x-x1) होती है. तो हम y1 की जगह क्या पुट कर देंगे? b+b'y2. और m की जगह क्या पुट कर देंगे? -a'-a/b'-b. और क्या जाएगा हमारे पास? x-x1. और x1 क्या जाएगा? a+a'y2. इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा. आई बस समझ में, नोट कर लीजिए यहाँ तक. बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल आपके सामने. पढ़ लें. Find the equation to the straight line which divide the line joining the point -3, 7 and 5, -4 in the 4:7 internally and perpendicular to this line. क्या कहना चाह रहे हैं भाई? एक हमारे पास लाइन है जो -3, 7 and 5, -4 से पास हो रही है और हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इसके परपेंडिकुलर है और इस लाइन सेगमेंट को 4:7 में इंटरनली डिवाइड करता है.
ठीक है, चलिए भावनाएं समझिए जरा इसको भाई। ये हमारे पास एक लाइन है L1, जो L1 लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक A और एक B। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -3.7 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5.-4। कहते हैं भावनाएं समझ में आई आपको। अब हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इस लाइन L1 के परपेंडिकुलर है और इस लाइन सेगमेंट AB को 4:7 में इंटरली डिवाइड करती है। मतलब अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये वाली लाइन हमारे पास L2 है तो ये L2 L1 के परपेंडिकुलर है पहली बार, और ये जो पॉइंट यहाँ पे C पे इंटरसेक्ट करती है, C इसको 4:7 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब ऐसा होगा कुछ सीन। तो सबसे पहले मैं C के कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, क्या हो जाएगा, इसका रेशो इसका x प्लस इसका रेशो इसका x अपॉन इसका रेशो प्लस इसका रेशो, यही है ना, मेरा रेशो 13x, तेरा रेशो मेरा x अपॉन तेरा रेशो प्लस मेरा रेशो, ध्यान दो। तो ये हमारे पास जो C के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 4×5 20 प्लस 7×3 -21 अपॉन 4+7 11 और 4×-4 -16 एंड 7×7 हो जाएगा +49 अपॉन 11, 7+4 तो ये आ गया -1/11 और ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 33 अपॉन 11, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया -1/11.3। यहाँ तक आ गया था। अब ये पॉइंट, अब क्वेश्चन क्या हो गया भाई साहब, क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास ये जो पॉइंट है C, ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकाले अपन ने, हमारे पास ये जो लाइन है L2 इज -1/11.3 से पास हो रही है और इस लाइन L1 के परपेंडिकुलर है, तो अपन लाइन L1 की स्लोप भी निकाल लें। अब लाइन L1 की अगर मैं स्लोप M1 लूँ तो ये क्या आएगा, y2-y1/x2-x1, y2 मतलब -4, -7 अपॉन 5-3 मतलब 8, तो ये हमारे पास आ गया -11/8, ये हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन M1 आ गया। अब अगर हमें जो लाइन M2 लाइन चाहिए L2, इसकी स्लोप M2 है तो ये परपेंडिकुलर है, तो क्या जाएगा -1/M1, तो ये जाएगा 8/11। आई बात समझ में। अब हमें लाइन L2 की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन L2 की इक्वेशन y-y1=m(x-x1) से हम निकालेंगे, तो लाइन L2 पास होती है -1/11.3 से, तो y1 की वैल्यू रख देंगे 3 और x1 की वैल्यू रख देंगे -1/11 और जो इसकी स्लोप है वो है m2 हमारे पास 8/11, सही है। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 11y-33=8x+ हो जाएगा 8/11, तो हमारे पास हो जाएगा 8x-11y+33 -+8/11=0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए।